बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज 6 सितंबर है 2022। आज मेरा वीलॉग है 1965 की जंग के बारे में, और बेसिकली हम देखेंगे फॉरेनर्स ने इस जंग को कैसे देखा और लिखा। और मेरा इस वीलॉग करने का मकसद भी ये है, उन सोडो इंटेलेक्चुअल्स को, लिबरल्स को और जो पॉलिटिशियंस है जो हमेशा फ़ौज पाकिस्तान के बुग्स में आकर फ़ौज मुखालिफ बयानात देते हैं और फ़ौज से नफ़रत का इजहार करते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंगों की ये जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक नहीं थी, और इस तरह के वो लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्होंने ऐसी बात की है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या इंटरव्यूज़ दे रहे थे। ये बेसिकली बुक्स में था। तो आज मेरा इस वीलॉग जो है इनका एक बेसिकली रिबटल है, एक जवाब है उनके लिए। 1965 की जंग देखें जी, हम बाकी पीछे बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं। 6 सितंबर का दिन था जब इंडिया ने अटैक किया। जंग शुरू हो चुकी है, दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। और उनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव थे, ये आप समझ लें, एक पहला ऑब्जेक्टिव था, हमला जो हुआ वो लाहौर कसूर पर था और ऑब्जेक्टिव लाहौर था। फिर सियालकोट में सियालकोट टारगेट था, और जफरवाल, चविंडा, ये एरिया टारगेट थे, और साउथ में हैदराबाद ऑब्जेक्टिव था। तो जब इंडिया का जो लाहौर की तरफ जो आ रहा था, 11 कोर का हमला था, अमृतसर लाहौर पे वो एडवांस कर रहा था। तो लाहौर पे बेसिकली अटैक आए सब मल्टीपल डायरेक्शन से, और क्योंकि उन्होंने कहा कि उसको पाकिस्तान आर्मी को प्रेशर में डालना है। बेसिकली उस वक़्त आर्मी तो अब पहुँची नहीं थी जब हमला हुआ, बाइडेन जब पहुँची तो इंडिया ने इनिशियली उनको जो सक्सेस मिली थी आउटस्कर्ट्स के लाहौर के जो बॉर्डर के विलेजेस है, उन्होंने उनमें कुछ गांवों को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन जब आर्मी आई तो द एडवांस वाज हाल्टेड, स्टॉप्ड, और इसके बाद जो इनके असल ख्वाब थे लाहौर पहुँचने के वो वहाँ पर हो नहीं सके। इसी दौरान खेमकरन में पाकिस्तान आर्मी का एक ग्रुप ने हमला किया और खेमकरन को ओवररन किया, और 8 मील इंडिया के अंदर ये खेमकरन के इलाके में हमारी अफवाज गई थी, और वहाँ पे 350 ऑल रैंक्स इंडियन आर्मी की उन्होंने सरेंडर किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कर्नल अनंत सिंह है, ये CO-4 सिख है, और वो विद सुबेदार गुलाम मोहम्मद के साथ ये पिक्चर है वन ही सरेंडर टू पाकिस्तान आर्मी। ये दोनों बेसिकली World War II में इकट्ठे जंग उन्होंने लड़ी थी। और मेजर जनरल राजेंद्र नाथ ने खेमकरन के बैटल के बारे में कहा, यूज़ ऑफ टैंक्स वाज ग्रेट सरप्राइज यूज्ड इन ए सच ए बोल्ड एंड ऑडेशियस मैनर। पाकिस्तान आर्मी के बारे में उन्होंने ये कहा। अभी जब हम बात करते हैं सियालकोट की तरफ, सियालकोट में जैसे मैंने बताया चविंडा, सियालकोट, और सियालकोट की तरफ से जसड़ की तरफ से हमला हुआ, सुचीतगढ़ वाली साइड से हुआ, जफरवाल टारगेट था, चविंडा था। सो चविंडा में World War II के बाद सबसे बड़ी जंग लड़ी गई टैंकों की। 400 टैंक्स ने इस बैटल में हिस्सा लिया, और ये बड़ी जंग इसलिए थी क्योंकि World War II में बैटल ऑफ कॉसक थी जो लड़ी गई थी रशिया और जर्मनी के दरमियान, और ये कॉसिक जो है प्रेजेंट जो यूक्रेन है इसके नॉर्थ में रशियन टेरिटरी में शामिल हैं। इसमें 45 इंडियन टैंक्स दे वर डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब एक रेजिमेंट बिल्कुल दे वाज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। और इस पे जो इनका कमांडर है वेस्टर्न कमांड जो उस वक़्त कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, उन्होंने कहा लैक ऑफ कंट्रोल एट कोर लेवल पेव्ड द वे टू डिफीट। उन्होंने मान लिया था कि ये मसले थे, इस वजह से हमारी डिफीट हुई। साउथ में इनिशियल जब अटैक आया तो हमारे हाथ से गडरा पोस्ट थी वो निकल गई थी, बट सब्सिक्वेंट जब काउंटर अटैक्स हमारे गए, जिसके बाद हमने ना सिर्फ मोनाबाव कैप्चर किया, हमने रोडी कैप्चर किया, हमने पंचाला कैप्चर किया, और हमला हमारे आगे की एडवांस थी, जबकि इंडिया प्रोपेगेंडा उस वक्त कर रहा था कि वी आर हेडिंग टुवार्ड्स हैदराबाद। 17 डेज वार में पाकिस्तान आर्मी कैप्चर 1617 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, और 1000 ऑल रैंक्स ने इंडियन आर्मी के उन्होंने सरेंडर किया। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जिसके वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान गैम्बल इन चम्ब सेक्टर कैम विद एन एस ऑफ सक्सेस। और मेजर लक्ष्मण सिंह हैं, उन्होंने अपनी बुक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में लिखा पाकिस्तान प्लान ऑफ ऑफेंसिव अगेंस्ट अखनोर वाज बोथ बोल्ड एंड टैक्टिकली साउंड। टाइम मैगजीन के लॉइस कैरन ने लिखा हु कैन डिफीट ए नेशन हु नो टू प्ले हाइड एंड सीक विद डेथ प्लेइंग विद फायर ऑफ दिस मैन फ्रॉम जवान टू GOC वाज लाइक प्लेइंग विद मार्बल्स ऑन द स्ट्रीट्स। ये इस तरह उन्होंने कम्प्लीमेंट पेश किया। ऑस्ट्रेलियन जो पेपर था उसने लिखा कि पाकिस्तानी विक्ट्री ह्यूज लॉसेस ऑन बोथ साइड्स। एक और था रॉय मेलोनी, ये अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का था, उसने लिखा आई हैव बीन जर्नलिस्ट फॉर 20 years एंड वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड दैट आई हैव नेवर सीन ए मोर कॉन्फिडेंट एंड विक्टोरियस ग्रुप ऑफ सोल्जर्स देन दोज फाइटिंग फॉर पाकिस्तान। BBC ने लिखा पाकिस्तान आर्मी रिपल्स्ड अटैक ऑन लाहौर, एडवांस्ड in Rajasthan and also reached on the outskirts of Akhnoor. Stanley Wolpert ने लिखा कि वॉर एंडेड इन ए ड्रा। पाकिस्तान एयरफोर्स की भी बात करते, पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी और हमारे जो अटैक गए हैं पठानकोट में, हलवाड़ा में, आदमपुर में और जमनगर में, और इसमें जो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ थे वो दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड। स्पेशली पठानकोट के जो हमारे हीरो हैं सज्जात, एयर कमांडो सज्जात हैदर, उनके वो सारे जुरत और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थे। ही वॉज द हीरो, ही वॉज द स्क्वाड्रन लीडर थे वहाँ पे। फिर सरगोधा में जो एयर बैटल लड़ी गई है और उसमें हमारे MM आलम ने लेस दैन 30 seconds में ही डिस्ट्रॉयड 5 इंडियन हंटर्स, सो क्रेडिट उनको जाता है। और इसी तरीके से जनरल चक हैं अमेरिकन एयरफोर्स के, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा पाकिस्तान स्कोर ए 3-1 किल रेशियो नॉकिंग आउट 102 रशियन जेट्स एंड लूजिंग 34। ये दुनिया के लोग कह रहे हैं। और एक और थे पीटर प्रेस्टन है गार्डियन, उन्होंने लिखा 24 सितंबर 1965 को One thing I am convinced of is that Pakistan morally even physically won the air battle against immense odds. तो वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी पीछे नहीं थी, पाकिस्तान नेवी ने एक तो अपने मैरीटाइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पूरी की, फिर जिसके बाद वो ऑफेंसिव पे गए और उन्होंने द्वारका पे अटैक किया। द्वारका इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में है और ये वही जगह है जहाँ पे सोमनाथ का टेंपल था, जहाँ महमूद गजनवी गया था। सो देयरफॉर द ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सोमनाथ था। इसमें जो इनका रेडार स्टेशन था वह दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये तमाम न सिर्फ शिप्स को गाइड करता बल्कि इंडियन एयरफोर्स को भी गाइड कर रहा था। तो वो दिस वाज द बोल्ड एक्शन जो उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने किया, और दैट्स वाई दे सेलिब्रेट 8 सितंबर एज ए विक्ट्री डे। और इसके बाद ताशकंद हुआ और ताशकंद के बाद एग्रीमेंट्स हुआ बिटवीन द टू कंट्रीज, वाज स्पॉन्सर्ड बाय द रशिया। मैं इस तरह कंक्लूड करना चाहूँगा। परवीन साहनी है, इंडियन ऑथर है, थिंक टैंक है और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। अब इनकी एक रिसेंट किताब भी आई है द लास्ट वार। तो उन्होंने हीज़ ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान नेवर लॉस्ट ए वॉर अगेंस्ट इंडिया ऑन इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर्स। तो इसका मतलब उनका यही कहना था कि 48 है, चाहे 65 है, 71 है, सियाचिन है, कारगिल है, पाकिस्तान के कोई नहीं है। अगर छोटे मोटे हुई है तो वो चीज़ें थी, लेकिन कोई मेजर लेवल के लॉसेस नहीं है। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। 47-49, when the ceasefire line was created, the Pakistanis have never lost. I must emphasize, they have never lost in the Western sector. Whether it was the First War, whether it was 1965, whether it was 1971, इनलैंड। सो मेरा ख्याल में जो हमारे जो बड़े तुरम खान बैठ के बातें करते हैं वो मेरा ख्याल में उनके लिए यही एक स्टेटमेंट भी काफ़ी है कि ये एक बंदे ने अपने दिल से बात की और विद हक़ाइक़, और वो हमेशा जब बात करते हैं ही टॉक्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो जस्ट टू कंक्लूड, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें अपने दिलों के जो कदूरत हैं या आपके बुग्स हैं उसको निकल के हमें अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, क्योंकि कौम की मदद से ही अफवाज पाकिस्तान ने आगे दुश्मन के साथ मुकाबला करना है। सो देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन योर कंट्री, इफ़ इट इज़ नॉट योर्स देन इट विल योर एनिमीज़। सो ये आपको सोचना होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान ने 17 रोज़ा जंग जीत ली क्योंकि पाकिस्तान हक पर था, क्योंकि फौजी जवानों के शाना बशाना पूरी कौम सीना से पर थी। कौम में इत्तेहाद था, यगानगत थी। आज भी दुश्मन इसी कोशिश में है कि पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को, उनके आपस में प्यार और मोहब्बत को, मुल्क के अमन और अमान को अंदरूनी तौर पर तबाह करे ताकि पाकिस्तान कमजोर हो। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा।